दो तरह के लोग होते हैं, विनर्स एंड लूजर्स। ए बैटरी, चल निकल इधर से, चल। लेकिन जिंदगी हर लूजर को एक मौका जरूर देती है। तुझे मालूम नहीं कि तूने किसका नुकसान किया है, तो मेरा नाम बता देना उसे। क्या अपनी लवर की मौत का बदला लेगा जवान? किस फिल्म जैसा है फिल्म का प्लॉट और कैसा होगा नयनतारा का किरदार? हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग राज स्टूडियोज में दोस्तों, और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। फिल्म देखने का मजा और भी दुगना हो जाता है जब फिल्म के हीरो का मकसद रिवेंज का होता है। जब वो किसी से बदला लेने की कोशिश करता है तब अपने आप ही उसकी कहानी दिलचस्प और कनेक्टिंग बन जाती है, और ऐसे ही बदले की दास्तान हमें शाहरुख की अपकमिंग फिल्म जवान में भी नजर आने वाली है। हमने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि इस फिल्म में डिम्पल गर्ल दीपिका का एक छोटा सा कैमियो होने वाला है, और वो इस फिल्म में शाहरुख की लवर या वाइफ का किरदार निभाने वाली है। फिल्म के मिडिल पार्ट में फिल्म फ्लैशबैक में जाएगी और हमें उससे पता चलेगा कि जवान जो भी कर रहा है वो सब वो जिससे प्यार करता था उसकी मौत का बदला लेने के लिए कर रहा है। उस छोटे से फ्लैशबैक में हमें शाहरुख और दीपिका की एक लव स्टोरी दिखाई जाएगी, और फिर दीपिका को कैसे मार दिया जाता है ये भी दिखाया जाएगा, जो काफी हार्ट टचिंग होगा। और दोस्तों फिर दीपिका की मौत का बदला लेना ही शाहरुख यानी जवान का लाइफ मिशन बन जाएगा। फिल्म का ये प्लॉट सुनकर क्या आपको भी शाहरुख और दीपिका की किसी फिल्म की याद आई? दोस्तों मुझे तो ये सुनकर दीपिका और शाहरुख के साथ डेब्यू फिल्म ओम शांति ओम की याद आ गई। हाँ दोस्तों, माना कि उसमें पुनर्जन्म वाली कहानी थी, लेकिन ओम अपनी शांति की मौत का बदला लेता है ना, और ये कहानी भी काफी इमोशनल थी, और शाहरुख और दीपिका की केमिस्ट्री भी सभी फैंस को काफी पसंद आई थी। और दोस्तों अब फिल्म जवान में हिस्ट्री फिर से रिपीट होने वाली है। दोस्तों सोचने वाली बात तो ये है कि अगर दीपिका शाहरुख की लवर का किरदार प्ले करने वाली हैं, तो फिल्म की लीडिंग लेडी नयनतारा का किरदार कैसा होने वाला है? मेरे ख्याल से उनका किरदार शाहरुख की पार्टनर इन क्राइम का होगा, जो जवान की मदद उनका मिशन पूरा करने में करती हैं, क्योंकि उन दोनों का दुश्मन एक ही होगा, और मिशन में जवान का साथ देते देते नयनतारा के किरदार को जवान से प्यार हो जाएगा, और जवान उसे ही फ्लैशबैक वाली उसकी और दीपिका की कहानी सुनाएगा, जिसे सुनकर नयनतारा का दिल जो है वो टूट जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद वो जवान की मदद और भी जोरों शोरों से करेंगी, जैसे कि ओम शांति ओम में शांति जैसे दिखने वाली सैंडी ओम की मदद करती है, और हो सकता है कि एंडिंग में हमें शाहरुख और नयनतारा एक साथ नजर आए। क्या आपको ओम शांति ओम में दीपिका और शाहरुख की जोड़ी पसंद आई थी? अपनी राय जल्दी से हमें कमेंट्स में बता दीजिए। साथ ही दोस्तों हमें कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग राज स्टूडियोज को। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी।